Hello friends, this is Sangam Puri. Welcome back to my channel Pharmacy Tree. Friends, in this video I'm going to talk about Depox 30mg tablet. Yeah, tablet Depox 30mg. So friends, without wasting any more time, we should start the video. फ्रेंड्स, ये वीडियो ना सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाई जा रही है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मेडिसिन आपको इस्तेमाल ना करे, कतई सेल्फ मेडिकेशन ना करे। फ्रेंड्स, एक्चुअली डोंट सपोर्ट सेल्फ मेडिकेशन एट ऑल। सो बिफोर टेकिंग और यूजिंग एनी मेडिसिन, यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर। कोई भी दवा लेने से पहले या इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से एक बार जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है डेपॉक्स 30mg टैबलेट। फ्रेंड्स, डेपॉक्स 30mg टैबलेट बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रचलित प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन है, जिसका इस्तेमाल प्रीमेच्योर इजेक्युलेशन को ठीक करने के लिए किया जाता है। प्रीमेच्योर इजेक्युलेशन कहने का अर्थ होता है कि जनरली शीघ्र पतन, उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स, थोड़ा देर पहले मैंने क्या बोला, ये प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन है, चलिए जरा इसे क्लियर करता हूँ। डियर व्यूअर्स, प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन कहने का अर्थ होता है कोई भी वैसा मेडिसिन जिसे परचेज करने के लिए, खरीदने के लिए हमें डॉक्टर के पर्चे की जरूरत हो, उसे हम लोग प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन बोलते हैं। फ्रेंड्स, यह मेडिसिन SSRI कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब जाहिर सी बात है, स्टम का इस्तेमाल किया तो मेरे व्यूअर्स जानना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे, सर व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ SSRI कैटेगरी। तो डियर व्यूअर्स, मैं कोशिश करूंगा कि सरल से सरल, सिंपल से सिंपल शब्दों में आपको समझाऊं, ताकि आप अच्छी नॉलेज यहां से गेन कर सको और उसे यूटिलाइज कर सको। तो डियर व्यूअर्स, SSRI का पूरा नाम सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर होता है, जिसे दूसरे शब्द में हम वो एंटी डिप्रेसेंट कैटेगरी का मेडिसिन भी बोल सकते हैं। तो कोई भी वैसा मेडिसिन, ठीक है, कोई भी वैसा मेडिसिन जो डिप्रेशन के खिलाफ जाके काम करे, उस मेडिसिन को हम SSRI कैटेगरी का मेडिसिन बोल सकते हैं, या तो उसे एंटी डिप्रेसेंट कैटेगरी का मेडिसिन बोलते हैं। जरा सा मैं थोड़ा यहाँ पे अपनी जानकारी को स्प्रेड करना चाहूंगा, ताकि आपको और अच्छे से नॉलेज समझ में आए। डियर व्यूअर्स, मैंने SSRI का पूरा नाम क्या बताया, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। तो सेरोटोनिन जो होता है एक तरह का हार्मोन होता है, जो हमारे ब्रेन से क्या होता है, सीक्रेट होता है, स्रावित होता है, और उसके सीक्रेट्स होने के कारण इंसान का मूड क्या रहता है, फोकस्ड रहता है, और वो हमेशा हैप्पी मूड रहता है, अपने गोल के प्रति, लक्ष्य के प्रति, टारगेट के प्रति हमेशा क्या रहता है, एकदम फोकस्ड रहता है। और यही हार्मोन की अगर कमी हो जाए तो इंसान का मूड लो फील होता है, ठीक है, वो सही से किसी चीज पे फोकस नहीं कर पाता है। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि SSRI कैटेगरी क्या होता है, तो सिंपली समझिए कोई भी वैसा मेडिसिन, ठीक है, जिसका इस्तेमाल डिप्रेशन को ठीक करने के लिए किया जाए, उसे SSRI कैटेगरी का मेडिसिन बोल सकते हैं, या एंटी डिप्रेशन कैटेगरी भी से दूसरे शब्दों में बोलते हैं। और SSRI का पूरा नाम सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर होता है। डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहें कौन से कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसमें मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसकी यूसेज होते हैं, कैसे कंट्राइंडिकेशन होते हैं, कैसे साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं, और क्या इसके ड्रग इंटरैक्शन होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड इच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे हर चीज़ों को ना बहुत शानदार तरीके से, बहुत सस्ता तरीके से आपको समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। तो फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कौन सी कंपनी है, ठीक है, जो इस मेडिसिन को डेपॉक्स 30 को मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, डेपॉक्स 30 को सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया था, जो कि अपने आप में काफी प्रसिद्ध, काफी प्रचलित, काफी हाईली रेपुटेड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। फ्रेंड्स, दिस मेडिसिन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, के एक स्ट्रिप में ज्यादा नहीं 4 टैबलेट्स आते हैं, जिनकी कीमत मार्केट में लगभग 90 रुपए से लेकर 100 रुपए के आसपास होती है, और उतने में अवेलेबल हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एस्टिमेटेड प्राइस बता रहा, एग्जैक्ट प्राइस नहीं बता रहा, वो अपना खुद देख लेना, तो प्राइस हमेशा टाइम टू टाइम क्या होता है, वैरी होते रहता है, बदलते रहता है। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें भी आपको बढ़िया से समझ में आ गया कि कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, इसके एक स्ट्रिप में कितने टैबलेट्स आते हैं, और क्या उसका एस्टिमेटेड प्राइस होता है। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहेंगे इसके मॉलिक्यूल्स के बारे में, कि विच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस मेडिसिन। कि बेसिकली जो आप मेडिसिन देखते हैं, ठीक है, डेपॉक्स 30, उसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल डेपॉक्सटीन 30mg पाया जाता है, जिसका इस्तेमाल प्रीमेच्योर इजेकुलेशन को ठीक करने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, इसी नाम से कुछ मिलता जुलता नाम है, अपने नाम सुना फ्लॉक्सटीन नाम सुना होगा, ठीक है, फिर अपने नाम सुना पैराक्सटीन नाम सुना, ये जो मेडिसिन है, ठीक है, उसी ग्रुप का है, लेकिन बेसिकली जो डेपॉक्सटीन होता है वो प्रीमेच्योर एजुकुलेशन को ठीक करने के लिए कहता है। और हालांकि फ्लॉक्सटीन, ठीक है, पैराक्सटीन, ये सब इस्तेमाल किए जाते हैं डिप्रेशन को, एंजाइटी को ठीक करने के लिए उसे इस्तेमाल किया जाता है उसी ग्रुप का, लेकिन इसका डेपॉक्सटीन का स्पेशली इस्तेमाल प्रीमेच्योर एजुकुलेशन के लिए किया जाता है,
फ्लॉक्सटिन का नहीं किया था, पैराक्सिन का नहीं किया था, इस बात को याद रखिएगा। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें भी आपको अच्छे से समझ में आए। इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल डेपॉक्सिन 30 मिलीग्राम पाया था, जिसका इस्तेमाल प्रीमैच्योर एजुकुलेशन को ठीक करने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहेंगे इसके यूसेज के बारे में, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर कब इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, या किन किन डिजीज में सपोर्टिव ट्रीटमेंट पर इसका इस्तेमाल लिया जा सकता है। फ्रेंड्स, लेट अस टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ दिस मेडिसिन, इस मेडिसिन के यूसेज को समझते हैं कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया था। तो फ्रेंड्स, नंबर वन इस ट्रीटमेंट ऑफ प्रीमैच्योर एजुकुलेशन, कि अगर किसी को शीघ्र पतन हो रहा है, ठीक है, शीघ्र पतन हो रहा, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर कहते हैं ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइटी, कि अगर कोई व्यक्ति एंजाइटी से सफर कर रहा है, एंजाइटी से सफर करने के कारण, ठीक है, एंजाइटी से सफर करने के कारण लंबे समय तक सेक्स नहीं कर पा रहा, सेक्स ड्यूरेशन उसका लो हो रहा है, कम हो रहा, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। फिर ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन, कि अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन से भी सफर कर रहा है और उस डिप्रेशन के कारण अपने पार्टनर के साथ, ठीक है, पार्टनर के साथ लंबे समय तक सेक्स नहीं कर पा रहा, तो उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ इरेक्टाइल डिसफंक्शन, कभी कभी इसका इस्तेमाल डॉक्टर इरेक्टाइल डिसफंक्शन को भी सही करने के लिए करते हैं, लेकिन मेनली जो इसका इस्तेमाल होता है वो, ठीक है, वो मेनली जो इसका इस्तेमाल था ट्रीटमेंट ऑफ, ठीक है, प्रीमैच्योर एजुकुलेशन, प्रीमैच्योर एजुकुलेशन को ठीक करने के लिए करते हैं। या तो आप जनरली दूसरे शब्दों में ऐसा कह सकते हो कि इंक्रीज सेक्स टाइमिंग, सेक्स टाइमिंग, पॉपुलेशन टाइमिंग को बढ़ाने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। कि अगर कोई व्यक्ति है अपने पार्टनर के साथ इंटरकोर्स करा और इंटरकोर्स के दौरान बहुत ही जल्द इजैकुलेशन हो जा रहा है, ठीक है, तो उस टाइमिंग को इंक्रीज करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कब, जब डॉक्टर उसके हिस्ट्री को देखें कि वास्तव में पेशेंट एंजाइटी या डिप्रेशन से है, से परेशान हो रखा है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी डिप्रेशन है, उसके कारण प्रीमैच्योर एजुकुलेशन हो जा रहा, तो उस परिस्थिति में डॉक्टर इसको प्रेस्क्राइब करते हैं। कि अगर एंजाइटी डिप्रेशन के कारण सेक्सुअल मूड लो हो गया हो, तो उसको इंक्रीज करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ इसके यूसेज आपको बढ़िया से समझ में कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहेंगे इसे कंट्रा इंडिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स, विदाउट नोइंग कंट्रा इंडिकेशन वी शुड नेवर एवर एडमिनिस्टर एनी ड्रग एनी मेडिसिन टू एनीवन, कि बिना कंट्रा इंडिकेशन जाने कभी भी किसी को भी कोई भी मेडिसिन आपको एडमिनिस्टर नहीं करना, इसका परिणाम घातक हो सकता है। और हाँ, एक और बात मैं इंपॉर्टेंट बात बता दूँ, यह मेडिसिन सिर्फ मेल के लिए ही इस्तेमाल किया था, मेल में ही दिया था, फीमेल को ये मेडिसिन नहीं दिया था। तो फ्रेंड्स, नंबर वन कंट्राइंडिकेशन अल्कोहल, कि अगर किसी व्यक्ति ने अल्कोहल कंज्यूम कर रखा है तो उसको आपको नहीं देना है। फिर कहते हैं लीवर डीज और किडनी डीज, अगर कोई व्यक्ति लीवर डीज और किडनी डीज से सफर कर रहा है उसको भी आपको नहीं देना बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए, क्योंकि डॉक्टर ही डिसाइड करेंगे सुटेबल डोज उसका क्या होगा। फिर कहते हैं ग्लूकोमा, ग्लूकोमा एक आँख की बीमारी होती है जिसमें आई में रेडनेस टाइप का हो जाता है, ठीक है, तो उसको भी ठीक करेंगे डॉक्टर, अगर ग्लूकोमा का भी हिस्ट्री है तो उसको भी आपको नहीं देना है। फिर कहते हैं हार्ट डिजीज, अगर कोई पेशेंट हार्ट डिजीज से सफर कर रहा है, ठीक है, तो उसको भी आपको नहीं देना है। फिर कहते हैं एपिलेप्सी, अगर किसी व्यक्ति को मिर्गी के दौरे आ रहे हैं, मिर्गी के बार बार झटके आ रहे हैं, एक्टिव फिट सीजर आ रहा है, तो उसको भी आपको नहीं देना। फिर कहते हैं मेनिया, मेनिया एक तरह का ब्रेन का बीमारी होता है जिसको हम जनरली उन्माद बोलते हैं हिंदी में, तो अगर कोई व्यक्ति उससे भी सफर कर रहा है तो उसको भी आपको नहीं देना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह का कोई भी कंट्रा इंडिकेशन का हिस्ट्री मिले, अल्कोहल, ठीक है, लिवर डिजीज, किडनी डिजीज, ग्लूकोमा, हार्ट डिजीज, एपिलेप्सी, ठीक है, और मेनिया, तो उस पेशेंट को आपको नहीं देना है, इस बात को बखूबी आपको ख्याल रखना है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ उसका कंट्रा इंडिकेशन भी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहेंगे इसे ड्रग इंटर एक्शन के बारे में। फ्रेंड्स, कुछ ऐसे मेडिसिन होते हैं कि उस मेडिसिन के साथ आप इस मेडिसिन को नहीं ले सकते हो, वरना इसका परिणाम घातक हो सकता है, व्यक्ति की जान भी जा सकती है। मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति ये मेडिसिन ले रहा है डेपॉक्स 30 mg, तो उसको पहले एजिथ्रोमाइसिन नहीं लेना है। क्या लेना? एजिथ्रोमाइसिन के साथ नहीं लेना है, इसका घातक ड्रग इंटरैक्शन होता है, डेंजरस होता है। उसका लाइंजोलिड, कि लाइंजोलिड भी आपको नहीं लेना है। फिर कहते हैं कि अगर कोई डेपॉक्स 30 mg चल रहा है तो 14 दिन बाद ही कोई SSRI ग्रुप का मेडिसिन दे, ऐसे नहीं दे, कम से कम एटलीस्ट 14 दिन बाद ही दे। ये कुछ इसके ड्रग इंटरेक्शन है एजिथ्रोमाइसिन और लाइंजोलिड, इससे बच के रहे आप। और ये दवा आप ले रहे हैं डेपॉक्स 30, तो एजिथ्रोमाइसिन और क्या लाइंजोलिड आपको नहीं लेना है, और किसी दूसरे ग्रुप का जो SSRI ग्रुप का कोई मेडिसिन हो उसको भी आपको नहीं लेना है, 14 दिन बाद लेना है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ इसका ड्रग इंटरेक्शन भी आपको बढ़िया से समझ में आ गया। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहेंगे इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स, जितने भी एलोपैथिक मेडिसिन होते हैं उसका कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट देखने को मिलता ही है, ठीक उसी प्रकार इसका भी कुछ साइड इफेक्ट है जो कि इस प्रकार है। नंबर वन है नोजिया, आपका जी मिचलाएगा। फिर वॉमिटिंग, हो सके उल्टी हो जाएगा। फिर ट्रेमर्स, आपके जो हाथ है वो ये कांपने लगेगा थोड़ा बहुत, ट्रेमर्स। फिर कहते हैं ड्राउजीनेस, आपको नींद टाइप का आएगा। फिर डिजीनेस, आपका जो सर है थोड़ा बहुत घूमने लगेगा। फिर कहते हैं हेडेक, थोड़ा बहुत आपका सर भी दर्द करेगा। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इसके साइड इफेक्ट है। इस तरह का कोई भी साइड इफेक्ट दिखे
आप तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, उन्हें इन्फॉर्म करके सर मुझे इस तरह की परेशानी हो रही, तो हो सके डॉक्टर इसके जगह पर दूसरे मेडिसिन को क्या करेंगे, प्रिस्क्राइब करेंगे। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसका साइड इफेक्ट भी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे डोज के बारे में। फ्रेंड्स डोज हमेशा डिपेंड करता है एज पे, बॉडी वेट पे, सिवरिटी पे, जेंडर पे, इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ जो मैं डोज बता रहा हूँ अपने तरीके से बता रहा हूँ, जो कि एडल्ट के लिए है, जिनकी उम्र 18+ उनके लिए हाफ टैबलेट इंटू बीडी की 3 दिन की, हाफ टैबलेट सुबह शाम लेना है 3 दिन आपको, ठीक है 3 दिन लेना है। और एक टैबलेट जो बचेगा उसके बाद उसको डायरेक्ट एक टैबलेट ले लेना है दिन में या रात में, कभी भी ले लीजिए खाना खाने के बाद। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये डोज होता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि डोज भी इसको बढ़िया से आपको समझ में आ गया। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आप स्पष्ट तरीके से समझ में आ गया कि डपॉक्स 30 mg टैबलेट क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, कैसे अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, कैसे यूसेज होते हैं, कैसे कंट्रोल इंडिकेशन होते हैं, कैसे हम साइड इफेक्ट होते हैं और कैसे डोज होते हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि मेरी यह वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव, काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी जबरदस्त लगी होगी आपको और मेरे इस वीडियो से ना आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला हो। फ्रेंड्स वाकई में मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग लगी। फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर मेडिकल फ्रेंड्स एंड कॉमन फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।